नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 78 की है। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देहरादून के अलग अलग स्कूलों से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम निवर्तमान पार्षद रमेश कुमार मंगू एवं भारूवाला की पूर्व प्रधान कुसुम वर्मा ने भगवती पैलेस सुभाष नगर में शिक्षक दिवस का सम्मान समारोह आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, विशिष्ट अतिथि लालचंद शर्मा के द्वारा क्षेत्र के सम्मानित शिक्षकों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का ये दिन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। गुरुजनों ने निस्वार्थ शिक्षक के कारण ही आज हम समाज में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे छोटे भाई पार्षद रमेश कुमार मंगू बधाई के पात्र हैं। विशिष्ट अतिथि लालचंद शर्मा ने सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए क्षेत्र पार्षद रमेश कुमार मंगू के इस कार्यक्रम की काफी सराहना की। साथ ही आए हुए शिक्षकों ने भी निवर्तमान पार्षद रमेश कुमार मंगू का धन्यवाद किया। निवर्तमान पार्षद रमेश कुमार मंगू ने सभी अतिथियों एवं समस्त सम्मानित गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज का दिन अपने गुरुजनों के प्रति धन्यवाद देने के लिए सभी के लिए खास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो सभी शिक्षकों को सम्मानित कर हमने खुद का सम्मान किया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता अटूट रिश्ता होता है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं रमेश कुमार मंगू जी और उनके सारे परिवार को बधाई देता हूँ कि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया। और हमें भी इस बात की खुशी है कि आज जो शिक्षा जगत के हमारे कुछ वो लोग यहाँ सामने आया जो उस समय के शिक्षक हैं, जिस ज़माने में वो साइकिल पे स्कूल जाते थे और उनके बच्चे आज गाड़ियों में जा रहे हैं, तो उन लोगों ने भी आज हम सबको आशीर्वाद दिया है और सबके उज्जवल भविष्य की कामना की। और जो शिक्षा के स्तर में आज गिरावट आई है उसको देखते हुए आज सब लोग चिंतित हैं, शिक्षक भी चिंतित हैं। तो लगता है कि समाज के अंदर जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, सब लोग मिलकर इसे दूर करेंगे और शिक्षा का जो है और जो स्तर को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। आज का कार्यक्रम जो था शिक्षकों पर आधारित था, क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और वो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने यहाँ अपने क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनको बुलाकर, अब उनका सम्मान तो हम नहीं कर सकते लेकिन हमने अपना सम्मान एक तरह से करवा लिया उनसे, क्योंकि शिक्षक का सम्मान कोई नहीं कर सकता। वो हम लोगों को शिक्षा देता है, हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, राष्ट्र का निर्माता है, वो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो उसमें उनका सम्मान नहीं, ये सम्मान जो कार्यक्रम था ये हमारा सम्मान कार्यक्रम था। सर, आज की जो रहे हैं, इसमें आज हमारे चक्रौता विधायक प्रीतम सिंह जी, जो CLP पूर्व CLP भी थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी रहे हैं, आज वो और विशिष्ट अतिथि लालचंद शर्मा जी आए थे साथ में, बाकी भारूवाला ग्रांट की प्रधान श्रीमती कुसुम और बहुत सारे यहाँ 16-17 स्कूलों के प्रिंसिपल जो रिटायर हो चुके थे, कुछ उसमें वर्तमान में कार्यरत भी हैं, और लगभग 60-65 टीचर ये सब आए थे। ये जो आज टीचर्स को सम्मानित किया गया है, वो टीचर्स आपके वार्ड से हैं या अलग अलग क्षेत्र से आए हैं? नहीं नहीं, मैंने अपने इस कार्यक्रम को वार्ड से बांधा नहीं है। इसमें मेरे आसपास के जितने लोग थे, जो भी ज़्यादातर मुझसे संपर्क में थे, मैं उन सबको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इन सबका जो मेरे बुलावे पर यहाँ आ गए और इन्होंने आकर मुझको सम्मानित किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इस जन्म दिवस पर हम आज उनको याद भी कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है वो हम सब के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर रमेश जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी इसमें शिरकत करने का अवसर मिला है। मैं रमेश जी को और उनके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया और मुझे भी खुशी हुई है कि जो शिक्षक इस समाज को, इस देश को, इस प्रदेश को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, आज हम सब ने मिलकर के उनको सम्मानित किया है। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमको ये आत्मसात करना होगा कि हम एक
सशक्त मजबूत भारत की स्थापना करने का काम करें और इस स्थापना में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान। रमेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे तो हर कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है, मैं हर कार्यक्रम में आता हूँ। ये हर समय चाहे कोई हमारा त्यौहार हो, चाहे कोई ऐसा दिवस जैसा आज शिक्षक दिवस हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हर अवसर पर जो है एक सामाजिक कार्य करने का काम करते हैं। तो ऐसे एक बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो मैं रमेश जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो ये सामाजिक सौहार्द बनाने का काम करते हैं उस सौहार्द को बनाए रखने का काम। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इसी साल रिटायर हुई हूँ गुरु राम राय स्कूल से, पटेल नगर ब्रांच से। तो मैं मिस कर रही थी अपने बच्चों को, स्कूल को, इस टाइप के प्रोग्राम को, पर यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो मंगू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं और अपनी पूरी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते हैं और मैं उनके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ उन्हें। समय आज के कार्यक्रम को देखते हुए शायद इससे पहले मैंने कभी इस प्रकार का आयोजन जो है यहाँ पर हमारे माननीय पार्षद जी के द्वारा जो किया गया और किसी ने भी नहीं किया होगा। इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम, तमाम 70-80-90 के करीब शिक्षक जो है विभिन्न स्कूलों के और जो रिटायर्ड हैं और जो क्या बोलते हैं जो सर्विस पे हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। और वो उन जो शिक्षक के तौर पे अभी प्रीतम सिंह जी ने जो अपनी बात रखी वो बहुत ही काबिले तारीफ है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं रमेश मंगू जी की तरफ से हमें सम्मानित किया गया, उसके लिए हमें तहे दिल से धन्यवाद और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा है और सभी बहुत खुश थे यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये यहाँ पे सारा चीज़ जो इंतज़ाम किया है इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, थैंक यू। रमेश मंगू जी, तो मैं जितनी भी बढ़ाई करूँ ना कम, मेरा पड़ोसी लोग पड़ोसियों को अच्छा नहीं मानते ना, लेकिन मेरा वो बिल्कुल जान का टुकड़ा है। नहीं, बहुत मेहनती भी है और हमारे वार्ड का नहीं है, दूसरे वार्ड का, लेकिन पूरा ध्यान रखता हुआ हमारे मोहल्ले का भी और हम लोगों का भी, बहुत ही बढ़िया। भगवान उसको खूब आगे बढ़ाए, खूब बढ़ाए, खूब प्रोग्रेस है उसकी। अच्छा, जिस प्रकार से आपने बताया पड़ोसी हैं तो लगातार आप देखते होंगे क्योंकि 5 साल इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अभी फिलहाल नहीं वर्तमान है, अभी बनेगा ना फिर से। हाँ। आगे बढ़ेगा ना, तो वही उनका जो कार्य अभी तक का रहा है वो कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत ही तारीफ करती हूँ, मैं अपने वाले की नहीं करती, जो हमारे हैं इसको पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती है और तभी तो इतने लोग इकट्ठा होगा, ये तो कौन आता, बहुत अच्छा है। आगामी जो चुनाव है फिर किसको चुनने वाले हैं? लो देखो, वैसे तो मैं बीजेपी वाली हूँ सच बताओ, लेकिन जो लोकल ये है ना वो मैं इधर हूँ, उसको पता है, वो कहता कोई बात नहीं, हाँ तो आप मेरे साथ ही रहो, मैं कहता तेरे साथ ही नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, करता कर्मठ है, बच्चे भी हैं ये भी और वही भी। आज का जो कार्यक्रम का प्रयास रहा है वो कैसा, क्या? बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया, मैं कह चुकी हूँ मम्मी को भी, ऐसा कि हर किसी की बस की नहीं है, लोग थोड़ा टालने की कोशिश करते ना, इतनों को फ़ोन करना, बुलाना, उनको सम्मानित करना और हर तरह से सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है, ये क्योंकि हर एक का बस का नहीं है ये, और इतना ज़्यादा टाइम देना है ना। घर कईयों को तो घर में, दोनों के दोनों हस्बैंड घर में गए, मेरे घर में भी आए थे, ठीक है ना। तो वाइफ का कैसा रहता है? वाइफ का ही बहुत, वाइफ भी लगी रहती साथ साथ, दोनों संग संग चलते हैं, ये बहुत बढ़िया, दोनों का बहुत ही बढ़िया, जितनी तारीफ करो उतना ही कम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा हमें, हम लोगों को एक्नॉलेज करा जाए टीचर्स को, वो बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल में हम लोग राजा राम में पढ़ाते हैं, बट स्कूल का फंक्शन तो हमने अटेंड करा ही, वहाँ बच्चों ने करा था, पर यहाँ सारे टीचर्स को इकट्ठा करके जो भाई साहब ने प्रोग्राम करा था वो बहुत अच्छा रहा। भाई साहब हमारे पूरा एरिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और जब टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत होती है हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, थैंक यू। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।